जूती टाइप की, तो वो काट रहे हैं तो चेंज करने के लिए आए, मैंने खून निकाल दिया काट काट के। पटा आग लग गई है लेकिन वहाँ कहीं पर वहाँ काटने जाता काटने है। संगीता रोशनी अरे ऊपर और जाना है धनिया लाने। थोड़ी देर के लिए मैंने हेलमेट खोला, मैं भूल गई थी पहनना, खुना पे उतर गई। कूली नंबर वन मेरे लिए पकड़ दे एक आध बोझ। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं रोशनी रावत स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोजदीप रावत में, एंड व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से, मिड डे से थोड़ा बढ़ गया है। तो चलो फिर मम्मी और मैं जा रहे हैं धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। धनतेरस से देखते हैं मम्मी क्या क्या लाती है, मेरे लिए भी मम्मी लाएगी। और बैग तो ये मैंने पकड़ लिया और एक बैग मम्मी के पास है वो। चलो फिर थकाई लग गई, आधी चढ़ाई तो पार कर ली है मैंने, तो मैंने कहा चलो व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ। और मौसम की बात करें तो कुछ इस प्रकार हो रखा है, इस सुहाना बिल्कुल धूप आ रखी है, कहीं कहीं बादल छा रखे हैं, मस्त हो रखा है। ये रही मेरी मम्मी श्री, ना पहचान न होने ला, देख ली। हम लोग पैदल नहीं जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, मतलब मैं ले जा रही हूँ स्कूटी मम्मी लोगों की। ऐसा है ना, मम्मी लोग डर रहे हैं, कह रहे हैं अपनी आदत की ये वाली चला पाएगी नहीं चला पाएगी करके, पापा लोग भी डर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है उसका। थोड़ा सा क्या हुआ मम्मी, ब्रेक स्टैंड इधर इधर को जा रहा है बोल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अगर चला पाऊँगी तो सही है, नहीं तो खूना पे रख जाऊँगी मैं, खाली खतरों के खिलाड़ी क्या बनना है ना, इससे अच्छा गाड़ी में चलेंगे। मेरे कहने ये डिक्की खुली नहीं रही थी, हाँ फिर बड़ी मुश्किल से खुली 15-20 मिनट में। सेफ्टी टोपा पहन लेते हैं हम अपना। मम्मी को मैंने आगे को चला दिया है क्योंकि ये कच्चे रास्ते से मुझे डर लगती है, मतलब फिर भी दूसरा वो हुआ ना गाड़ी, अपनी गाड़ी में तो कोई नहीं आ रही हूँ। बाई गॉड इतनी भीड़ लग रखी है ना आज धनतेरस में। मैं ले रही हूँ इनको भोलेनाथ जी को, और मम्मी क्या ले रही थी, कहाँ गई? काबू के लिए पर्स छोटा सा। इतनी प्यारी लग रही है, किसने सजाया है? मम्मी ले जा रही है। मम्मी को नीचे छोड़ के आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने रूम पे। और मैंने जो शूज लिए थे यहाँ से, मतलब स्लीपर टाइप के जूती टाइप की, तो वो काट रहे हैं तो चेंज करने के लिए आए, मैंने खून निकाल दिया काट काट के। भैया दिखा दीजिए, यहाँ से ले गई थी मैं। काफ़ी भूख लग चुकी है, भूख को तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं पाती हूँ, सो मम्मी को भी साथ में लेके आ गई और बैठे हैं हम लोग उर्वी होटल में। हमने ऑर्डर कर रखा है छोले भटूरे, मम्मी कह रही है चावल बनता तो अच्छा होता, चावल बना हो जाए थोड़ा आधे एक घंटा लग। खाना खाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। छिछी कितना गीला बनाया ये, साफ कर दो कहा तो गीला ही नहीं। मैंने कहा मम्मी से आगे मैं होटल की हालत देख के आती हूँ फिर उसके बाद खाएंगे। तो बट ये थोड़ा सा अच्छा मिला और बाकी टेबल ऐसे ही हो रखे हैं गंदे। है हमारा खाना तो चलो खा लेते हैं। कुली नंबर वन, कुली नंबर वन मेरे लिए पकड़ दे एक आध बोझ। 10 रुपए दियो नहीं ढलान तल्ली घर तक है। हाय हाय, मैं तो खाली हाथ हूँ, जाड़ा हो रहा है जाड़ा। मैंने स्वेटर लगा ली है, जाड़ा हो रहा था, और आते टाइम हेलमेट पहना था, जाते टाइम हेलमेट तो कान हान बंद थे तो कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए मैंने हेलमेट खोला, मैं भूल गई थी पहनना, खुना पे उतर के कुछ सामान लिया था, तो उस टाइम ऐसा ठंडा हो गया ना मुझे, फिर मैंने हेलमेट पहना। फिर हेलमेट भी